हेलो सभी विद्यार्थियों, आज मैं इस वीडियो में जो 15.1 है उसके बचे हुए प्रश्न 7वां और 8वां हल करवाऊंगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और हमें किस प्रकार प्रश्न को हल करना है वो आप देखेंगे। देखो किस प्रकार से मैं हल करता हूँ, तो इसी प्रकार से आप भी हल कीजिए। ठीक है, पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है, तो व्यय याद कीजिए। अब इसमें हमें देखना है, पहले तो देखना है कि खेत कैसा है। वृत्ताकार, वृत्ताकार है तो वृत्त की जो प्रति मीटर बाड़ लगाने का व्यय दे रखा है, तो वृत्ताकार खेत की जो बाड़ की लंबाई होगी वो वृत्त की परिधि के बराबर होगी। तो वृत्ताकार जो खेत की बाड़ की जो लंबाई होगी किसके बराबर होगी? वृत्ताकार खेत की परिधि के। अब वृत्ताकार जो खेत की परिधि है वो क्या होती है? 2πr। तो 2πr मीटर बाड़ लगाने का व्यय, 2πr मतलब चारों ओर जो बाड़ लगाया जा रहा है उसका व्यय कितना होगा? 2πr। और प्रति मीटर, 1 मीटर के लिए कितना चाहिए हमको? 24। तो 2πr के लिए 24 से गुणा कर दिया। अब यहाँ पे बाड़ लगाने का व्यय किसके बराबर है? बाड़ लगाने का जो व्यय है किसके बराबर? वृत्ताकार खेत की परिधि के बराबर है। तो व्यय 5280 हमको दे रखा है और ये इसका लगाने का व्यय कितना है? 2π × 2πr। यहाँ से हमें r का मान निकालना है। क्या निकालना है हमको? r का मान निकालना है। तो r का मान हमें निकालना है, तो सारा बचा कुचा कहाँ चले जाएगा? इसके बटे में चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5280 2π r, सॉरी, बावन सौ अस्सी 24 ऐसे ऐसे रहेगा। 2 पाई का मान कितना होगा? 22/7, और बटे वाला 7 कहाँ चले जाएगा? ऊपर। ठीक है, अब मैं यहाँ से अलग अलग इसमें 22 का भाग देता हूँ, तो 22 × 44, 22 × 44 कितना? 8 बच गया, 88 हो गया। 22 × 88 और 0 ऐसे जैसे कितना हो गया ऊपर? 240, 240, और यहाँ पे कितना आ गया नीचे? कितना? 24 × 2। ठीक, 24 से मैं इसे काटूंगा ये 10 बार, और उसके बाद कितना बचा? 10 × 7 बटे में कितना है? 2। 2 से मैं इसे काटूंगा तो 5 बार कितना बचा? 5 × 7 मतलब 7×5 = 35 मीटर। ये क्या आ गया? इसकी त्रिज्या आ गई। ये तो हमने क्या निकाल ली? यहां से त्रिज्या निकाल ली। और इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या की जाती है? जुताई की जाती है। तो व्यय याद की, जुताई करने का जो व्यय है वो याद करना है। तो सबसे पहले तो हम वृत्ताकार जो खेत है उसका क्षेत्रफल याद करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? π r²। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना? 35, और गुणा 35 वर्ग है इसलिए हमने 2 बार गुणा कर दिया। 7×7 से का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो यहाँ पे कितना हो गया? 22 × 5 और गुणा 35। 22×110 × 35 = 11×55,
और 11 तिया 33 और 5 कितना हो गया 38। इसको हल करने पर इतना वर्ग मीटर आएगा। वृत्तकार खेत का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारे पास 3850 वर्ग मीटर। अब हमें क्या निकालना है, व्यय निकालना है। तो इतना रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो इतने के लिए कितना होगा, तो यहाँ पे देखो 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर। दर से जुताई कराने का बे। यहां से देखो इनसे गुणा करो तो 0 0 5 25 5 8 40 और 2 42 हासिल की 4 5 15 और 4 19। दो संख्या के बाद पॉइंट है, दो संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, कितने रुपए हो जाएगा 1925 रुपये की जुताई होगी। ठीक है, देखिए शायद यह आपके समझ में आया होगा। इसी प्रकार मैं क्वेश्चन नंबर अगला करता हूँ। एक वृत्ताकार घास का मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें ये इम्पोर्टेंट है, इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, पहले भी इस प्रकार के सवाल आए हुए हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे वृत्ताकार घास का मैदान, तो आप सबसे पहले तो आपको एक घास का मैदान बनाना है इस तरीके के। घास का मैदान बना लिया, ठीक। घास का मैदान की त्रिज्या क्या है 35, ये हमने मान लिया 35। इसके चारों 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाओ, ये क्या है रास्ता, कितना मीटर चौड़ा है 7 मीटर। यहां से हमारे पास मार्क, तो ये मार्ग है हमारे पास। अब यहां से ये एक तो छोटा व्रत है और एक क्या है बड़ा व्रत। बड़ा व्रत की त्रिज्या 35 तो यहाँ तक है और 7 आगे है, 7 और 35 कितना हो गया 42। तो यहाँ से और यहाँ तक कितना हो गया 42 मीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि R1 बड़े वाले व्रत की त्रिज्या तो कितना मान लेंगे, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या तो कितना मान लेंगे R1 बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 छोटे वृत्त की त्रिज्या R2। ये हमारे पास तो आ गया R1 का मान कितना है ज्यादा 42 मीटर, छोटे का कितना है 35 मीटर। मार्ग का क्षेत्रफल चाहिए, यदि मैं बड़े वाले व्रत में से छोटा वाला व्रत को हटा दूं मेरे पास क्या रह जाएगा मार्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखोगे मार्ग का क्षेत्रफल बराबर, बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा वही पाई R1 स्क्वायर, त्रिज्या R1 है, R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर। पाई इधर भी पाई इधर भी मैं कॉमन ले सकता हूँ, R1 माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई इधर से हटा लिया R1 स्क्वायर बचा, माइनस पाई इधर से हटा दिया पाई R2 स्क्वायर।
यहाँ पे एक सर्व समीकरण लगती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी जो ए प्लस बी। ठीक, यहाँ पे देखिए इसी प्रकार मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, पाई आर वन माइनस आर टू और आर वन प्लस आर टू। ठीक, अब हम देखेंगे यहाँ पे पाई का मान रख दीजिए 22/7, कोष्टक आर वन का मान कितना है 42, माइनस आर टू का मान कितना है 35, और यहाँ पे आर वन और आर टू 42 + 35। ठीक, 22/7, 42 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा 7, इनको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और 7। ठीक, तो मैं इनको काट सकता हूँ, 7 × 7 एक बार कितना हो गया यहाँ पे 22 × 77, 22 को मैं इससे गुणा करूँगा 22 × 7 = 154, 15, 22 × 7 = 154, 54 × 15 जोड़ोगे 169, इतना वर्ग मीटर। ये क्या आ गया हमारे पास, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलता है हमको। ठीक है दोस्तों, ठीक, अगले मैं 15.2 के क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। ठीक, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें।